हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है जमुना टेक्नोलॉजी और मैं हूं आपका फ्रेंड जमुना प्रसाद। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये तीसरा ट्यूटोरियल मेरा हो गया, जिनमें मैं आपको बताते जा रहा हूं कि मैं इस चैनल का नाम थोड़ा चेंज करने वाला हूं, या फिर MP से करूँगी या KKMP से, दो में से कोई एक चैनल का नेम रखूँगा, क्योंकि ये काफ़ी थोड़ा ओल्ड टाइप का नेम लग रहा है, इसलिए मैं इस चैनल का नाम चेंज कर दूंगा। तो चलिए, आपको थंबनेल पे पता चल गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो जो नए हैं, यह वीडियो उनके लिए है, और जो एक्सपर्ट लोग हैं वो वीडियो को बिल्कुल वॉच ना करें, वो स्किप कर दें। तो प्लीज़, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि गलत तरीके से कमेंट ना करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं। तो चलिए, मैं आपको इस वीडियो पे ये बताने वाला हूँ कि बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं ग्रीन स्क्रीन का। तो मैं कुछ फोटेज उठा लेता हूँ ग्रीन स्क्रीन वाला। तो मैं अपने ड्राइव पे चला जाता हूँ डायरेक्टली, तो आप दिख रहे होंगे कि ये ग्रीन स्क्रीन वाला है, और ये ब्लू स्क्रीन, और एक तो ये, और ये, इनके किस तरह से स्क्रीन रिमूव, ये ग्रीन स्क्रीन रिमूव करना है। ये ब्लू स्क्रीन भी उसी तरह से रिमूव होगा, ये देखिए पीछे का। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कहाँ चले जाना है, यहाँ कीज पे, और इसको क्लिक करना है, और इसको इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ये देखिए, ये हमारा ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो गया। तो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, और कोई वीडियो भी ले लेता हूँ, तब आपको नज़र आएगा। डेस्कटॉप पे गया, डेस्कटॉप पे जाने के बाद मैं ये BGC कुछ पिक कर लेता हूँ इस तरह से। ये मैंने BGC पिक कर लिए ये, और ये जो मेरे ज्यादा है इसको मैं M का बटन प्रेस किया, ये डिलीट हो गया। अब ये देखिए, थोड़ा फोटेज थोड़ा बड़ा है, तो मैं F11 करता हूँ। F11 करने के बाद इसको मैं इस तरह से थोड़ा साइज कर लिया ये, और ओके, ये देखिए कुछ ठीक आ गया। अब इसमें थोड़ा यहाँ ब्लू ब्लू नज़र आ रहा है, इस पे जाना है, और ये इस पे, ये नीचे क्रोमा की आया है, इस पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद इस पे आपको क्लिक कर लेना है, और आपको थोड़ा इस तरह से कर लेना है ये, ये, और इसको इस तरह से ये, ये देखिए हमारा कितनी परफेक्ट तरीके से हो गया। पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया। देखिए, काफ़ी लोगों को दिक्कतें आती हैं, तो ये मेरा वीडियो जो है चल रहे हैं, इसलिए ये छोटा बड़ा हो रहा है। तो आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। फिर से F11 क्लिक किया, और वीडियो को थोड़ा छोटा कर दिया, और इसको इस तरह से नीचे कर दिया, और ओके करता हूँ। F11 किया इस तरह से, क्योंकि ये वीडियो को, कई वीडियो को मैंने ऐड करके ये वीडियो बनाया है, इसकी वजह से ये सारे ऐसे आ रहे हैं। ये देखिए, ये जो जिसने भी इसको शूट किया है, ये कैमरे को ज़्यादा इधर उधर हिलाए हैं, इसके वजह से ये ऐसा आ रहा है। ये देखिए, ये कितने परफेक्ट तरीके से ऐड हो गया ये। अब इसको कैसे करना है, इसका भी वही प्रोसेसिंग है। इसका भी क्या करना है, इस पे जाइएगा, और मैं पहले एक तो फोटेज ले लेता हूँ, इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, ज़्यादा फोटेज है, इसको मैंने यहाँ से प्रेस किया, डिलीट कर दिया। इफेक्ट पे गया, इफेक्ट पे जाने के बाद इसको मैं ग्रीन स्क्रीन पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया इस तरह से, यहाँ नीचे पे, यहाँ। तो ये देखिए, ये मेरा सेट हो चुका है ये। तो मैं इसको इस तरह से थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, इसको ये कर लिया ये। तो मैं अपने फुटेज को छोटा कर लेता हूँ अपने ग्रीन स्क्रीन के अनुसार। तो मैं F11 प्रेस किया, तो ये मेरे ख्याल से फोटेज नहीं सिलेक्ट हुआ है, ये फोटेज है, ये फोटेज, इसको मैं F11 सिलेक्ट किया, प्रेस किया, इसको मैं इस तरह से
ये इस तरह से मैंने बड़ा कर लिया। ये 3D पे गया, 3D पे जाने के बाद इसको मैं यहाँ से इस तरह से ये इस तरह से किया, ये हमारे फ्रेम के अकॉर्डिंग हो गया। थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ ये इस तरह से, ये कर लिया। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब मैं देखता हूँ वीडियो हमारा कैसे चलता है। ये यहाँ आके सेट हो गया है। तो अब क्या करना, मैं इस पर डबल क्लिक किया, इस पर डबल क्लिक किया और यहाँ पे चेक कर दिया और इसको इस तरह से ये किया ये। अब मैं इसी फोटेज को, जी हाँ इसी फोटेज को मैं यहाँ से इसको जीरो कर देता ये, और इसको इस तरह से ला के यहाँ पे रखता हूँ इसको इस तरह से। ये 3D है मेरा, इसको ये। ये इस तरह से मैंने इसको ये यहाँ पे सेट कर दिया। अब क्या करता हूँ यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो थोड़ा दिक्कत हो गया, अब देखता हूँ इसको किस तरह से करना है। डबल क्लिक किया मैं इसको, जो मेरा ये है इसको मैंने जीरो कर दिया, जीरो कर दिया। इसको मैंने यहाँ पे चेक कर दिया ये यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे 3D पे क्लिक किया हूँ। 3D पे क्लिक करने के बाद इसको इस तरह से कर लिया इसको ये करने के बाद अब मैं वीडियो को इस तरह से ये मेरा हो चुका, ये मेरा बन गया। अब इसको मैं ओके करता हूँ, इसको इस तरह से ड्रैगन ड्रॉप किया, इस तरह से किया इस तरह, ये देखिए ये मेरा 3D इफेक्ट बन गया ये। तो ये मेरा वीडियो इस तरह से लहरा रहा है, ये देखिए इसमें मैंने कई वीडियो ऐड किए थे छोटे छोटे। तो अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन आ रहा है, जी हाँ यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन आ रहा है। तो इसको कैसे ठीक करना है मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले बताया। यहाँ इफेक्ट पे क्लिक करना है, इसको डबल क्लिक कर लेना है, डबल क्लिक करेंगे फिर इसको आपको क्लिक कर लेना है और इसको इस तरह से ये बढ़ा लेना है इस तरह से बढ़ा लेना है, इसको थोड़ा ये कर लेना है ये। ये थोड़ा कर लेना है, ज्यादा नहीं अपने मुताबिक ये कर लेना है बस। ये हमारा हो गया, अब इसको ओके कर देना है। तो देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से ये हमारा 3D इफेक्ट बन गया, कितनी बेहतरीन तरीके से। तो मुझे आशा है कि जो बिगनर लोग हैं उनको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो जो मेरे चैनल पे अभी नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपडेट करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो वीडियो देखने में आपको दिक्कत होगा। तो वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करता हूँ, धन्यवाद।